यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, कृपया इसे दोहराने की कोशिश ना करें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं विकास। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब बिना किसी वायर के अपन एक कॉइल से दूसरी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर पाएंगे, और विद लाइव प्रूफ मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। उसको आप साइंस प्रोजेक्ट एज ए किसी भी स्कूल वगैरह कहीं भी ले जा सकते हैं, आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को शुरू करके एंड तक पूरी देखना है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होगी जो मैं बता देता हूँ आपको। हमें वो चाहिए सोल्डरिंग आयरन, वायर एंड पेस्ट, और कुछ ये कॉपर वायर की जो कि मैंने ट्रांसफॉर्मर के अंदर से निकाला हुआ है, साथ ही में ये बैटरी, और ये एक ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस 27 के का ये रेजिस्टेंस चाहिए अपने को। और ट्रांजिस्टर की वैल्यू मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये वैल्यू है 2N2222A, 4 बार 2 है वहाँ। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू या कुछ ही होगा, और साथ ही में एक LED और वायर बस। ठीक है, इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कनेक्शंस ऑलरेडी है, मैं आपको करके वापस दिखाऊंगा पास में। ठीक है, अब सब कुछ ये बता दिया मैंने, क्या किया आपको। और फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको हर कभी मिलेगी, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हमारे एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाओ। ठीक है, और हम फटाफट से चालू करते हैं। अब मैं आपको पासवर्ड दिखाता हूँ कैसे क्या कनेक्शन करना है, फिर डाटा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे से पहले अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास डिस्पोजल कप है, इसके थ्रू ये जो वायर इसके अंदर लपेटा हुआ है इस ट्रांसफॉर्मर की कॉइल के अंदर, इससे निकाल के अपन को फर्स्ट एक कॉइल बनानी पड़ेगी। उसके अंदर लगभग अपने को 30 टन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे लेना है आपको। ये है, इसको ऐसे पकड़ लिया, हल्का सा एक्स्ट्रा छोड़ के ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, और अब इसको ऐसे घुमाना है। ठीक है, इसको घुमाना है और 30 टन लेने। ठीक है, टन कम लगाने का नहीं, 30 ही करना है। ठीक है, एक तो भैया 30 हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, यहां से वायर को मैं कर लूंगा, तोड़ लूंगा। ठीक है, ठीक है, और अब ये जो वायर हम पास है, इस कॉइल को इजीली बाहर निकालेंगे, खुलनी नहीं चाहिए ये। ठीक है, और अब इस वायर को अपन क्या करके सिक्योर करेंगे। ठीक है, ये जो वायर है इसको अपन इसके ऊपर चढ़ा देंगे कुछ ऐसे, ये तो फर्स्ट का काम हो चुका कंप्लीट, ये फर्स्ट कॉइल हो गई है कंप्लीट। ठीक है, इसको रखते हैं अब साइड में। ठीक है, और इसके साथ में मेरे पास ये एलईडी है, दूसरी एलईडी हम यूज करेंगे इसमें, छोटे वायर वाले नहीं, ताकि आराम से कनेक्ट वगैरह हो जाए। ठीक है, बड़ी एलईडी है वायर वायर वाली। अब कलर वगैरह पता नहीं है चालू है। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं कौन सा कलर चल रही है। ये लाल चल रही है। ठीक है, हो सकता है बैटरी से खराब वराब ना हो जाए, इसलिए ज्यादा नहीं चलाऊंगा, और अपना ये सेटअप वैसे रेडी मैं बताता हूँ बाद में आपको। ठीक है, अब दूसरी कॉइल बनाते हैं। ठीक है, वापस यही वायर अपन लेंगे और इसी कप के ऊपर दूसरी कॉइल अपन वापस बनाएंगे। ठीक है, दो कॉइल बनेगी, और इस कॉइल को थोड़ा ध्यान से देखेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोचा हो सकता है जिसमें आपको समझ में नहीं आए। तो ठीक है, ये वायर पता नहीं कहाँ अटक रहा है, ये टूट रहा है बार बार। इसको रखते हैं साइड में, और वापस इसके अंदर से वायर निकाल लेता हूँ जल्दी से, ये वाला। ठीक है, अब इसके वापस अपने को लेंगे टर्न, जितने पहले लिए थे उतने ही लेने हैं वापस। मैं बताता हूँ कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
गाइस बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर 15 टर्न मैंने इसके ऊपर कंप्लीट किए हैं। बार बार ये खुल रहा है, अवेरा नहीं रहा है। ठीक है, 15 टर्न कुछ इस तरह से मैंने कर लिए है। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि एक यहाँ पे लूप छोड़ना है, 15 वायर है, इसको ऐसे एक्स्ट्रा कर लो हल्का सा और अपने अंगूठे के नीचे दबा के और वापस अपने को टर्न करना है। 30 टर्न तो इसमें भी करना है, खाली बीच में थोड़ा ये छोड़ना पड़ेगा लूप क्योंकि इसका कुछ और काम है। ठीक है, अब मैं आगे के वायर से वाइंडिंग कर लेता हूँ। ये 16 और ये 30, बड़ी मुश्किल से गाइस 30 हुए हैं। ये मुझे पता कितनी मुश्किल हुई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है गाइस ये। आप किसी बड़े की जरूर हेल्प लेना, उतना ये आपसे तो होने वाला नहीं अगर आप छोटे बच्चे हैं तो। ये हो गए 30 वायर, अब इसको निकालते, सॉरी 30 के टर्न हो चुके हैं और इसको निकालते हैं बाहर और इसको वापस पहले की तरह सिक्योर करना है। ठीक है, और अब मैं सिक्योर कर देता हूँ पहले इसको। तो गाइस ये हो चुका कंप्लीट। और अब अपने को क्या करना है कि जो दो वायर अपन ने जो बीच वाले जो छोड़ा था ना, 15 वायर जो था, 15 टर्न होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, इसको बीच में क्या करना है, कट करना है। ठीक है, और मैंने दोनों सिक्योर तो कर ही लिया है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं, हल्का छोटा कर देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ बीच में से अपने को कट करना है, हल्का ये यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, और अब ये जो 15वां वायर जो बच रहा है ना अपना, 15 वायर टर्न होने के बाद दो वायर जो थे बीच के जिसको मैंने तोड़ा है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे दोनों को, क्योंकि दोनों सेम वायर बनने वाले अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक ही वायर दोनों। ठीक है, ये दो वायर आपको दिख रहे हैं, ये वो दोनों है। ठीक है, दोनों क्या करना है अपने को, मिक्स कर लेना दोनों को एक साथ कुछ ऐसे। तो ये गाइस हो चुका कंप्लीट, तो अपनी ये दोनों कोयले कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो है सब कुछ मेन काम अब आने वाला है, और अब मैं आपको पास से दिखाऊंगा। उससे पहले क्या करना अपने को कि जो वायर के सारे जो ये दिख रहे हैं ना वायर के मुंह, इन सबको जला लेते हैं, इंसुलेशन हटा देते हैं। ठीक है, तो इंसुलेशन नहीं हटाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लिया मैंने माचिस की तुल्ली और सारे वायर एक साथ अपन जला देंगे। ये पकड़ा और कुछ इस तरह से सारा वायर अपने जला रहा हूँ। ठीक है, सारा वायर जलाने के बाद इनके ऊपर से अपने को कार्बन हटाना है। अब हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, दोनों कॉइल्स अपनी कंप्लीट है, और अब अपन आते हैं इसके कनेक्शन पे। अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ, अब मेरे को दिखाते हैं इसके कनेक्शन। ये जो ट्रांजिस्टर में बताया था आपको, ट्रांजिस्टर के मिडल वाले जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर अपने को क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको सोल्ड करना है। ठीक है, ये सोल्ड ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ बना के, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस फेल चीजें मैं नहीं दिखा सकता आपको, इसलिए मैं सोचा क्योंकि मैं कंप्लीट इसको चेक करके फिर आपको बताया जाए। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका, फिर वो दिखाऊँ। ठीक है, तो अब जिस तरफ से आपको ये फ्रंट साइड है इस ट्रांजिस्टर की, ठीक है, इस तरफ से जो लेफ्ट वाली जो पिन दिख रही है ये वाली, इसको अपन न्यूट्रल दे देंगे। ये न्यूट्रल वायर ब्लैक वाला मैंने कर दिया है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फ्रंट वायर आपको दिख रहा है, ये जो सॉरी ये इसका फ्रंट फेस है, इसकी तरफ से बताऊंगा। ये फ्रंट फेस अपनी तरफ रखना है और अपना लेफ्ट वायर, ये लेफ्ट वायर, ठीक है, कनेक्ट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लेफ्ट है, और अब इन दोनों के कनेक्शन में बताता हूँ क्या करना है। ये जो अपनी सेकेंडरी कॉइल है ना, इसका दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या करना है, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है जो 15-15 का लूप छोड़ा था, उसकी जगह अपने को ये एक रेड वायर लेना है, ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर कनेक्ट करना, बाद में लास्ट में इसको सोल्डरिंग भी अपन करेंगे, उससे पहले अपन यहाँ से सारे कनेक्शन को कच्चे कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे।
और गाइस ये तो दो वायर अब बच रहे हैं। अब इनके कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ कि अब ये दो वायर बच रहे हैं, इन दोनों को क्या करना है कि ये जो दिख रही है इसके दोनों को पॉइंट पे लगाना है, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये इस लास्ट पॉइंट पे मैं लगा देता हूँ। कोई भी पॉइंट कितने भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है मैं इसको इधर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो लास्ट में कर देंगे इधर सोल्डरिंग, ठीक है। ध्यान रहे गाइस सारे कनेक्शन एकदम सही होने चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा। और इसको चाहे तो आप साइंस प्रोजेक्ट ऐसे कहीं भी स्कूल वगैरह कहीं भी आप ले जा सकते हो उसको, ठीक है। ये लगा लिया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो बच रहा है गाइस, देख लो कनेक्शन आपको समझ आ रहे होंगे, मैं वापस बता दूंगा लास्ट में आपको। ये कनेक्शन, ये लास्ट वायर एक और बच रहा है, इसको ओपन करेंगे इसके मिडल पॉइंट से कनेक्ट, ठीक है। ये मिडल पॉइंट है और इसके ऊपर ओपन करेंगे कनेक्ट। इसको थोड़ा मैं उधर कर लेता हूँ और ये इसका मिडल पॉइंट, ये कनेक्टेड। तो अब गाइज आपको कनेक्शंस मेरे साथ समझ में आ गए होंगे, कनेक्शन सारे कंप्लीट है, ठीक है। वापस देख लो एक बार कि ये जो बीच वाले जो 15-15 का अपन ने लूप छोड़ा था ना बीच के अंदर, 15 वायर के अपन ने वाइंडिंग करने के बाद जो बीच में ये छोड़ा था ना, ठीक है, उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल एक लगा दिया। ये दोनों जो लास्ट के पॉइंट बचे थे उन दोनों को अपन ने इसके दोनों पॉइंट पे कनेक्ट कर लिया, और इसका जो लेफ्ट वाला ये पिन था इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया, ठीक है। ये लेफ्ट पिन ही है, ऐसे रखा हुआ इसलिए, ठीक है, ये लेफ्ट पिन है। अब क्या करना है इसके ऊपर वायर सोल्डरिंग में लास्ट में कर दूंगा, क्योंकि सोल्डरिंग करवाने के बाद, ठीक है। और ये जो दूसरी कॉइल अपने बची है इसके दोनों पॉइंट पे अपन ये जो LED दिख रही है दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके तो अपने कोई प्लस माइनस दिखने जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक है। ये वायर है इसको डायरेक्ट ऐसे पकड़ के डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं। अब हो चुका सारा काम कंप्लीट, ठीक है। अपने सोल्डिंग वगैरह सब कुछ कर लिए मैंने, ठीक है। और अब ये मेरे पास एक बोर्ड पड़ा है, इस बोर्ड के ऊपर अपन सारे सेटअप को असेंबल करेंगे, ठीक है। ये जो पूरा वायरिंग वगैरह सब कुछ इसे रख के डायरेक्ट इसको इसे हम डायरेक्ट टेप से चिपका लेंगे, ठीक है। But now it is moment of truth, ठीक है। और अब अपन इसके अंदर डायरेक्ट पावर देके इसको टाइट चेक करेंगे, ठीक है। सारे कनेक्शन हो गए भाई, ये देख लो गाइस कुछ अपन ने नया नहीं किया है, सब कुछ होगा वही है। अब ये रही बैटरी और अब कनेक्ट करते हैं कनेक्ट। फटाफट से वीडियो को लाइक उतना सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए, ठीक है। काम कर जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। जो नेगेटिव टर्मिनल जो कि मैंने बताया था ट्रांजिस्टर का जो लेफ्ट पिन है वो नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया और ये लगाया मैंने पॉजिटिव वायर कनेक्ट। और अब देखते हैं गाइस इन 3-2 एंड। तो गाइस देख सकते हैं लाइट चमक रही है, देखो बिल्कुल हल्की सी से ये, देखो गाइस आपको दिख रही होगी, देखो मेरे को लाइट की रोशनी कम करके दिखाता हूँ, लाइट चमक रही गाइस, देखो ये क्या दूर नहीं चमक रही, ठीक है। और अब देखना तो ये लाइट चमक रही, देखो तो गाइस 100% सक्सेस हो गया हमारा, ये जुगाड़ काम कर रहा है गाइस। देख लो ये इस बैटरी की वोल्टेज कम है इसलिए थोड़ी पावर कम मिल रही है, चल कम रही है, बाकी देखो गाइस 100% काम कर रहा है, वर्किंग मॉडल है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपके स्टूडियो की लाइट वगैरह कम करके आपको दिखाता हूँ कि लाइट चमक नहीं चमक, ठीक है। तो गाइस यार अब हो चुकी लाइट कम और अब देखना, तो गाइस देख सकते लाइट चमक रही है, देखो मेरे हाथ में कुछ जलती हुई दिख रही होगी, देखो रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है मेरे अंगुली पे, देखो 100% चीज काम कर रही है, देखो बंद हो गई, वापस चलाया ये चलेगी, देखो
तो आइडिया 100% सक्सेस हो चुका है। और इसकी जगह अपन अगर चाहे दूसरी लाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने बैटरी लगाई है, अगर ठीक है 9 वोल्ट का अगर ये चार्जर यूज करें तो भी चलेगी। ठीक है, तो इसके नीचे देख लो कोई एक्स्ट्रा सोर्स वगैरह कुछ नहीं है, ये देखो ठीक है कुछ भी नहीं है, और ये खाली लाइट है जो कि इसको कनेक्ट करते चल रही है, देखो इधर बैठते चल रही है देखो। ठीक है गाइस, तो 100% दोबारा सक्सेस है। तो अपन चार्जर से ट्राई करते हैं कितनी तेजी चमकती है। ठीक है, उसके बाद मैं को एक छोटी लाइट और है मेरे पास, ये लाल वाली छोटी लाइट है, इसको चला के देखते हैं ये कितनी तेज चमकती है। ठीक है, वापस हम जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, आपको देने लगेगी बैटरी को, इसको डायरेक्ट चार्जर से कनेक्ट करते हैं फिर चला। ठीक है, तो चार्जर हो चुका कनेक्ट, सारे वायर हो गए, वो देख लो ये का ये कनेक्शन है, सारे ट्रांजिस्टर वगैरह लग रहा है, और ये अपने हाथ में लाइट कॉइल से कनेक्टेड है, और अब ये चलेगी लाइट। ठीक है, तो वैसे तो आप तो दूर से चल रहे, देखो गाइस इतनी दूर है तब भी लाइट चमकी, देखो देखो लाइट लाइट चमक रही है, देखो इतनी दूर से भी लाइट चमकने लगी, देखो। ओ शिट, हो तो गाइस ये ट्रांजिस्टर गाइस जल गया, ओ शिट, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये चार्जर से जब मैंने इसको 9 वोल्ट की पावर दी तब ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अब हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर जल गया होगा, कोई गारंटी नहीं, वापस काम करेगा, अभी भी गर्म है ये। तो चलो वापस एक बार बैटरी से ट्राई करते हैं, हो सकता है चार्जर की पावर ज्यादा हो, क्योंकि मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी नहीं थी, इसलिए मैंने चार्जर ट्राई करता क्योंकि 9 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ठीक है, 5 मिनट जब चला, लेकिन 2 मिनट जब चला था लाइट एकदम कितनी दूर से हो एकदम तेज चमकी थी, ये आप देखा होगा जरूर। ठीक है, तो वापस अपन चेक करते हैं एक बार, पैसा बर्बाद पे। ये रही वापस बैटरी और ये रही अपनी लाइट, छोटी लाइट बाद में चेक करेंगे, फिलहाल के लिए वापस इसको बार चेक कर लेते हैं, ये उड़ा तो नहीं है, ये अभी तक थंबनेल लेना बाकी है मेरे को। ठीक है गाइस, तो अब चेक कर लेते हैं। हल्का फुल्का गर्म है, अब गर्म नहीं है, अब करते हैं वापस चेक। तो गाइस देख सकते हैं लाइट चमक रही है, गाइस देख लो, मैंने अब तक इसको कॉन्टेक्ट में नहीं रखा, तो दूर है फिर भी लाइट चल रही है, देखो ये मेरे हाथों को रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, मेरी उंगली पे वो रिफ्लेक्शन देख लो। तो गाइस ये था इसका 100% वर्किंग, ठीक है कि ये काम कर रहा है इस कॉइल पे, और अब आपको इस छोटी लाइट को भी लगा के दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि काम कर रहा है। ठीक है, तो गाइस यार मैंने बना ली है दूसरी एक और कॉइल जिसके ऊपर छोटी लाइट लगा ली है, और अब गाइस देखना सबसे मेन धमाका अब होगा, अब देखना गाइस ये कम पावर की लाइट है, और अब देखना। तो गाइस इसके पास में आते चल चुकी हो गए, देखो इतनी तेज चल रही है, देखो गाइस इसकी रोशनी बहुत है, देखो मेरा हाथ चमक रहा है, देखो ये देखो मेरा हाथ चमका रहा है, देखो कितना तेज है रोशनी, बहुत तेज चल रही है सच में लाइट, ये गाइस देख लो पास में आते थे बहुत तेज हो रही है, ये दूर लाए धीरे हो गई, ये दूर 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 बिल्कुल बंद, और पास लाए और ये गाइस चल रही है। तो गाइस जैसे तो कितनी तगड़ी और कितनी मस्त चल रही है लाइट, गाइस देखो प्लीज गाइस लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ऐसी हमें तो हर एक नहीं मिलेगी, और ये जो 100% वर्किंग है और आपको हाथ में दिख रहा होगा खाली कोयले चल रहा है। ठीक है, इसको आप एज ए साइंस प्रोजेक्ट यूज हो तो कहीं भी ले जा सकते हो गाइस, प्लीज गाइस इसमें बहुत मेहनत लगी और बहुत रिसर्च लगी, इसको मैं 4 बार इसको इससे पहले ट्राई करता हूँ तब जाके सक्सेस हुआ है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी, प्लीज मेहनत ले जा सकते हो देना। अब मैं दोनों लाइटों को आपस में चलाना दिखाई देता हूँ, ठीक है दोनों लाइट एक बार साथ में चलाते हैं। ठीक है, अब ये वाली एक और लाइट है, अब दोनों साथ में चलाते हैं। ठीक है, ये चलेगी वो जैसे सकते, ये भी लाल लाल जल रही है धीरे। ठीक है, और अब इसकी बारी, तो जैसे सकते दोनों लाइट साथ में चल रही है गाइस, देख लो गाइस लाइव प्रूफ है गाइस, ये लाइट भी चल रही है, लाइट भी चल रही है, दोनों चल रही है, ये धीरे चल रही है लेकिन बहुत तेज चल रही है, देखो गाइस, और इसको इधर रखा ये चल गई, देखो और इसको इसके पास में रखते तब भी ये चल जाएगी। ठीक है, देखो गाइस, तो गाइस कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना गाइस, इसको आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करोगे तो चलेगा नहीं चलेगा कमेंट में बताना, और इसके कोई वायरिंग बताना, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक ड्रॉप कर देना गाइस, इसके अलावा मैं बार बार नहीं कहूंगा गाइस, इसके लिए तो करना ही पड़ेगा गाइस, दिल से बुरा लगता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अमेजिंग तरीके फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।